वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टील एथलीट ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील एथलीट ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 91.35 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। 75 से अप है, मीन्स गिराव देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में। तो देख सकते कि कोई खास अपडेट नहीं है, पर सेल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था दो दिन पहले, 490 लेवल को ब्रेकआउट दिया है और तकरीबन 90 के ऊपर सेटल होता है स्टॉक। तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी अच्छे देखने को मिल सके, जैसे कि ये डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट है स्टील एथलीट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे आप लोग नजर डाल सकते हो, जैसे कि सेल ने 90 लेवल को ब्रेकआउट दिया है, उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते कि सेल अभी रिसेंटली 90 के ऊपर सेटल होता है तो ऊपर जाने के चांसेस मिलेगा। अगले रेजिस्टेंस जो है 95 लेवल को मिल लगेगा, 95 टू 98 और 100 लेवल, ये तीन लेवल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लगेंगे सेल स्टॉक के लिए ऊपर जाते वक्त। कंसिडर करे जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज भी थोड़ी से बुलिश नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे येलो कलर का जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज, वो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज, वो भी एक अच्छा बाइंग साइड में मीन्स मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो करंटली यहाँ पे बाकी के डिटेल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग अभी फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन सेल स्टॉक के फंडामेंटल नंबर्स देखे जाए तो मार्केट कैप 37,794 करोड़ की है, करंट प्राइस देखा जाए तो 91 है। स्टॉक हमने एक अच्छे मोमेंटम किए में, पी रेशियो 7.90 अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बुक वैल्यू 131 का है, डिविडेंड यील्ड है 9.56% का। तो आरओसी जो है यहाँ पे 23.8% का आरओसी देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर टोटल लोन 31,369 करोड़ की है, नेट प्रॉफिट 4,042 करोड़ का है, ईपीएस जो है ₹10 का है। तो रिटर्न वो 1 ईयर की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे देख सकते गिरावट 10% की है, प्रॉफिट में 64% की गिरावट है, सेल्स ग्रोथ 17% ऑफ है। तो इन्वेस्टमेंट 8,676 करोड़ के, टोटल एसेट 1,30,000 करोड़ के, डिप टू इक्विटी जो है 0.58 है, एबिटा 5.52 का है, इक्विटी कैपिटल जो है 4,131 करोड़ के, डिविडेंड पे आउट 29.5% का डिविडेंड पे आउट है, प्रोमोटर होल्डिंग 65% की है उसमें शेयर्स प्लेज ने, जो कि बढ़िया बात है।